राम राम कोडर्स, आई होप सब पे बहुत अच्छे होंगे एंड आप डीपी की सीरीज को फॉलो कर रहे होंगे। एंड ना शुभ, एक और बात, अभी अपने शॉर्ट्स बहुत सारे आ रहे हैं चैनल के नोटिफिकेशन के, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो इफ यू आर एलिजिबल कैंडिडेट देन प्लीज डू अप्लाई। पढ़ किस लिए रहे हो? एडेंट जॉब करने इसी तो पढ़ रहे हैं ना। ओके, लेट्स गो टू आवर क्वेश्चन। काफी लाइक सारे क्वेश्चन अभी इजी ही चल रहे हैं, बट या अगेन अ फंडामेंटल येट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो शुभ, लेट मी क्विकली एक्सप्लेन इन द क्वेश्चन, ठीक है शुभ? अपन ने शुभ क्वेश्चन दे देगा कि कोई कंट्री है, इधर 1 रुपया के सिक्के चलते हैं, 2 के सिक्के और 5 के सिक्के चलते हैं। आपको, आप कोई दुकान में गए और 11 रुपये का सामान खरीदे, ठीक है, तो आपको उसको 11 रुपये देना है। आपको दोगे फ्री में सामान तो नहीं हो सकते, और मैं अज्यूम करूँ कि आपको इन्फिनिट अमाउंट ऑफ 7 रुपये है, बहुत बहुत धनी आदमी। अब ये बोल रहे कि आप कितना मिनिमम कॉइन दोगे उसको, मिनिमम कॉइन 11 रुपये उसका हो जाएगा। तो आप बोलोगे हाँ भाई 2 5 रुपये कॉइन दे दो, और 1 रुपये का 3 कॉइन काम खत्म, काम खत्म। अब मैं चाहता तो शुभ वैसे भी दे सकता हूँ ना, 1 11 कॉइन दे सकता हूँ, बस इन्फिनिट ही है। मैं चाहूँ तो 2 का 5 कॉइन दे सकता हूँ, 1 का 1 कॉइन दे सकता हूँ, आई कैन डू दैट, बट मुझे मिनिमम देना है कि उसे कम से कम कॉइन चाहिए, तो वैसे दे सकता हूँ। डेट्स व्हाट इज द क्वेश्चन। और एग्जाम्पल देखो, इसमें शुभ और बाकी एग्जाम्पल भी सारा खराब है। लेट्स से एक मैंगो एग्जाम्पल बना देता हूँ, 3 5 7 7, ये ऐसा करेंसी का कॉइन है, आपको देना है सपोज 20 रुपीज, तब शुभ कैसे दोगे? ऑब्वियसली आप लोग 7 रुपया 7 रुपया, 3 रुपया 3 रुपया, डेट्स हाउ यू गिव राइट। अब नाउ दिस इज अ क्वेश्चन गाइस, एंड आई रिकमेंड यू पॉज कीजिए, सोचिए। एंड अभी जो फर्स्ट थॉट मेरे माइंड में आया था जब मैं ये क्वेश्चन पढ़ा था, या किसी के भी माइंड में आया होगा कि ग्रीडी से हो जाएगा भाई, फिर सबसे महंगा महंगा कॉइन देते जाएंगे, हो जाएगा, ये ऐसा आता है ना माइंड में, पर नहीं होगा Yes. शुभ, वैसे कभी नहीं होता, वैसे हो सकता है वो कॉइन बने ही नहीं। हाँ, अगर आपको ऐसा रहता कि आपको एटलीस्ट 1 रुपीज देना है एटलीस्ट, तब रिड्यूस हो जाता है 11 से, या उससे ज्यादा दिन से चलेगा। बट अभी आपको कैश एग्जैक्ट देना है, और एग्जैक्ट कभी भी हमेशा मैक्सिमम दिन से नहीं बनेगा, कभी भी नहीं बनेगा। आप ट्राई कर लेना, मतलब बन सकता है, ऐसा केसेस हैं, बट हमेशा ऐसा नहीं बन सकता कि मैक्सिमम से हो जाएगा, ठीक है? तो ये अपने को ध्यान रखना है, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। इस केस में देखो, अगर आप मैक्सिमम लेते हो तो आप क्या करते हैं, 7 7 14, फिर कोई दिमाग वाला आदमी होगा भैया मैं 7 नहीं लूंगा, 21 हो जाएगा, तो मैं इसको दे दूंगा 5, ठीक है 5। अब 5 नहीं लूंगा तो मैं 3 को लूंगा, 3 भी दे नहीं सकता, अब खत्म, तो नहीं बन रहा। तो हमेशा ऐसा नहीं कि मैक्सिमम उनसे बन जाते हैं, ठीक है? तो ये वो ग्रीडी वाला ख्याल दिमाग से निकाल दो। ग्रीडी के जिस टाइप के क्वेश्चन थे वो हम कर चुके हैं काफी, अगर आपने ग्रीडी की सीरीज नहीं देखी तो यू कैन वॉच इट, आई टाइम में आ रहा होगा। तो नाउ ग्रीडी से न्यूज़ पर दैट्स फाइनल। अब शो बताइए, आपको पूछ रहा हूँ कैसे किया जाए इसको, ग्रीडी से तो नहीं होगा, अब क्या बचता है आपको शो अपने करण, ये तो लास्ट वाले क्वेश्चन से काफी मैच करता है, पर इसमें बस एक ही चीज चेंज है कि हमें मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स का यूज करना है। तो पास? हर एक कॉइन्स को यूज करके, हर एक परम्यूटेशन को यूज करके जिससे वो बन सकता है नंबर, हम लोग वो उस नंबर को, उस सम को बनाने की कोशिश करेंगे, हर एक पॉसिबल परम्यूटेशन जिससे वो पॉसिबल है बनाना, और फिर हम काउंट करेंगे कॉम्पिटिशन तो कि बहुत ले सकते हो। हाँ। तो इसी में तो डीपी का इस्तेमाल होगा करण, कि अब जैसे कि हम लोग 5 पे पहुंच गए, 5 पे हम उसके आगे कितना मिनिमम इस्तेमाल करके उस सम तक पहुंचे, 5 से 11, वो अगर हमारे पास सेव है तो हर बार हम 5 पे पहुंच के उसी को इस्तेमाल करेंगे। हाँ, सो वेट, यू आर डूइंग रिकर्शन बाय चॉइस, राइट? आपका चॉइस ऑफ क्या क्या दे सकते हैं, आप हर पॉसिबल चॉइस को एक्सप्लोर कर रहे हो, दिस चॉइस ऑफ का मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स में बन रहा है, दैट्स आंसर, दैट्स व्हाट यू आर सेइंग, राइट गाइस? शिव काफी अच्छा आंसर दिया है, आई होप आप सबको भी थोड़ा बहुत आई गया वैसे आसपास, क्या बोल, आपको 11 है, और मैं जैसे हमेशा टॉप पे डाउन जाता हूँ, 11 से 0 पे जा रहा हूँ, ठीक है? तो मैं टारगेट है 0 रीच करना, तो अभी भैया मैं 1 रुपया दे सकता हूँ उसको, पहला बार में दे सकते हो, तो आपको 10 रुपये देना और बाकी है। भैया मैं उसको कई बार में 2 रुपये दे सकता हूँ, कोई बात नहीं दे सकते हो, तो आपको 9 रुपये देना बाकी है, आप 5 दे सकते हो, तो 6, इतना सारा पॉसिबल कॉम्बिनेशन राइट। अब फिर ऐसे आप इधर करोगे, भैया मैं 1 रुपया दे दूंगा, भैया मैं 2 दे दूंगा, भैया मैं 5 दे दूंगा, भैया मैं अगेन 1, भैया मैं 2, सिंपल जैसे आपने सारा क्वेश्चन कर रहे हैं, 6 से भैया 1 रुपया दिया, 2 रुपया दिया, 5 दे दिया, और ऐसे भैया मैं हर बार चलता रहूंगा चलता रहूंगा। एग्जाम्पल सब इससे इसमें क्या आवश्यक, फिर 1 रुपया दिया तो 0 बचा, 2 -1 आया, 5 -4, तो ये सब तो पॉसिबल नहीं है, रिटर्न 0, ये बोला हाँ भाई पॉसिबल है, तो पॉसिबल है भाई, तो कितना स्टेप में कर रहा है, तो ये बता मेरे को कितना स्टेप में कर रहा है, एक सॉरी इधर से आप 1 स्टेप में आए, फिर 2 स्टेप में आए, फिर 3 स्टेप, तो यू कैन कीप अ काउंटर शू कितना स्टेप सबका हुआ है, तो तीन स्टेप यस ये ओके, तो मैं 3 स्टेप में आपको दे दूंगा भाई आंसर, तो 3 स्टेप दे दिया, ऐसे आप शू इधर से करेंगे 4 से, अगेन 1 कॉस होता जाएगा,
एंड आपको जिससे मिनिमम आएगा एग्जाम्पल देखो अभी इस पे हो शुरू ठीक है तो 5 पे अगर आप आए तो इधर से आप कॉल सपोज किया 1 3 4 3 0 तो इस पे भी अगेन आंसर बोलेगा आपको 1 2 3 स्टेप में मैं भी दे रहा हूँ तो ये भी 3 कर देगा तो ऐसी कभी ऐसा भी आएगा कि इधर 3 है इधर से 1 किया तो 2 फिर इधर से 2 किया 0 तो ये बोलेगा मैं 5 स्टेप में कर रहा हूँ ये बोलेगा 5 स्टेप में कर रहा हूँ तो 5 किसको एक्सेप्ट करेगा जो मिनिमम है तो ये क्या करोगा इधर से मिनिमम दोगे इधर से मिनिमम इधर से मिनिमम जहां से मिनिमम आपका आ रहा है तो दैट्स द आंसर अब कोई बोलेगा भैया कहीं से आया ही नहीं तो कहीं से आया ही नहीं तो देखो इस केस में देखो जैसे इधर मिनिमम द्वार इधर से इधर से इधर से इधर तो वैलिड है आप मिनिमम 3 स्टेप हुआ इधर तो इनवैलिड है तो उस केस में कैन रिटर्न इंट मैक्स तो इनवैलिड है तो इंट मैक्स ताकि वो मिनिमम का हमें डिस्टर्बेंस नहीं करे क्योंकि इधर से अगर आप मिनिमम भी रहते हो तो क्या हो जाएगा शिप 0 का सॉरी मिनिमम ऑफ 3 कॉमा इंट मैक्स कॉमा इंट मैक्स तो इसका आंसर 3 रहेगा समझ में आ रहा है तो यू वॉन्ट लाइक डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होगा एक ऑब्जर्वेशन ये मिनिमम भी है एंड वन मोर कि भैया कहीं से कुछ आया नहीं तो क्या सपोज आपको 7 रुपये बनाना है आपको 8 है तो कहीं से बन ही नहीं सकता तो एक कॉल किया माइनस 1 तो उसके यू विल रिटर्न इंट मैक्स तो आंसर आपका इंट मैक्स ही होगा शिप मिनिमम और इंट मैक्स होता है तो अगर आपका आंसर इंट मैक्स है देन यू कैन रिटर्न माइनस 1 जो भी क्वेश्चन डिमांड होगा अगर आपका आंसर इंट मैक्स नहीं है तो यू कैन गिव व्हाटएवर जो आपका आंसर मारे तो जब बेस का शिप क्या हो जाएगा जब नेगेटिव बन रहा है अपना तो आप इंट मैक्स रिटर्न कर दो पॉसिबल नहीं अगर नेगेटिव नहीं बन रहा देन यू कैन रिटर्न कॉइन पे पहुंचने का मतलब एक अमाउंट पे पहुंचने का बहुत सारे रास्ते हैं राइट तो अब हर बार हम निकाले ये सही बात नहीं होगा ना देखो जैसे आप 9 है अब इधर 9 के आप निकालोगे मिनिमम क्या है व्हाटएवर इस केस में आई थिंक 5 मिनिमम का आएगा 5111 चार स्टेप में आएगा मिनिमम तब निकालिए अब खुद सोचो फिर इधर 9 आया तो अब कर क्या रहे हो वही कर रहे हो जैसे जैसे मिनिमम निकाल रहे हो पर इसके हमारे पास कॉइंस तो फिक्स ही है ना तो आपको पता ही चार स्टेप में अगर हो रहा है इधर से भी आप बोलोगे ओके चार स्टेप में होगा तो मैं तो काम ही क्यों करूँ स्टोर कर दूंगा वैसे रिटर्न कर दूंगा तो हाँ तो अगर आपको इसके वी नीड व्हाट वी नीड टू डू दिस थिंग स्टोर द आंसर स्टोर कर देंगे मेमोराइज कर देंगे तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगा अब मैं बहुत बार मेमोराइज समझा चुका हूँ आप प्रीवियस वीडियो देख रहे देखो 9 है इधर 8 है देखो 8 कॉल हुआ फिर से 8 कॉल हुआ नो नीड ऐसे कितना बहुत सारे कॉल ईयर 4 ईयर 4 ईयर 5 ईयर 5 कितने सारे कॉल है लगभग घूम फिर मोटा मोटी मैक्सिमम भी आपके 11 कॉल्स डिफरेंट हो सकते हैं 11 से 0 पे जा रहे हो मैक्सिमम भी 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ओके हो ही नहीं सकते डिफरेंट कॉल्स दैट्स इट उतना ही काम है वैसे उसको अच्छे से रन करके दिखा देते हैं 11 है तो ये गया पहले 10 पे जाएगा शिव राइट 111 पे कॉल होगा फिर 9 पे कॉल करेगा फिर 8 पे कॉल करेगा फिर 7 पे फिर 6 पे फिर 5 पे ऐसे चलते चलते आप जाएंगे जब 0 पे पहुंच गए तो वो जरूर रिटर्न करेगा अच्छा मैं पहुंच गया हूँ तो मेरे तक पहुंचने का उपाय कितना है एक उपाय तो 1 रिटर्न करेगा और 1 बोलेगा 2 को 2 ऐसे ऐसे से 11 को रिटर्न आ जाएगा शुरू राइट 11 बोलेगा 11 स्टेप्स में पहुंच सकते हैं बट आंसर वो मिनिमम नहीं है कि 11 और भी कॉल कर सकता है ऐसे आपका कहानी चलता रहेगा जैसे एग्जाम्पल आप 9 से आप 9 पे होता और एक कॉल 7 पे भी करोगे और 7 का आंसर ऑलरेडी स्टोर्ड है आपके पास और एक कॉल आप एक समझ है ना कॉल ऐसे भरता रहेगा हालांकि एग्जांपल बहुत बड़ा हो गया छोटा सा देता हूँ लेट्स से आपका आपको बनाना है सपोज 5 ठीक है आपका स्कोर है 1 2 3 तो आपका आंसर क्या होगा 3 पे स्टॉक एक्शन तो लेट्स से 5 पे आप कॉल किए 4 पे फिर 3 पे फिर 2 पे फिर 1 पे फिर 0 पे ठीक है अब 1 और एक कॉल करेगा किसी पे माइनस 1 पे जो रिटर्न करेगा इंट मैक्स 1 और एक कॉल करेगा माइनस 2 पे इंट मैक्स तो इसे वेस्ट है तो इसका मिनिमम आंसर हो जाएगा 1 एक स्टेप में बन जाएगा 3 0 रिटर्न करेगा 1
अब वन रिटर्न क्या करेगा, उसका आंसर क्या है, वन, मेरा आंसर वन है, आंसर वन हो गया, शू वन, रिटर्न कर देगा वापस वन, टू देखा, अच्छा इधर से एक आ रहा है और टू और एक कॉल किसको करेगा, जीरो पे, जीरो और एक कॉल करेगा माइनस वन पे, अब ये रिटर्न करेगा वन, सॉरी वन रिटर्न करेगा टू, आई एम सो सॉरी, प्लस टू करके रिटर्न करेगा ना, हाँ इधर वन एक स्टेप में बन रहा है गाइस, तो रिटर्न करेगा इनटू मैक्स, शुभ इसका मिनिमम क्या हुआ, आंसर टू हो गया वन, और टू रिटर्न कर देगा शुभ टू, अपना मिनिमम प्लस वन, टू थ्री के पास है, थ्री और दो कॉल करेगा किसको, एक कॉल करेगा वन को और एक कॉल करेगा जीरो को, शुभ वन के रिटर्न करेगा, वन का आंसर तो वन है, वन का आंसर वन है, तो उसका आगे फर्दर कॉल नहीं होगा, बोलने का मतलब ये है कि आप इसका आंसर यूज कर देंगे तो ये वन प्लस वन रिटर्न कर देगा दो स्टेप, और ये क्या रिटर्न करेगा शुभ, जीरो रिटर्न करेगा वन, तो सी का इसमें मिनिमम क्या है शुभ, टू टू वन, तो वन, तो आंसर सी भी आपका हो गया वन, सिमिलरली अब ऊपर क्या शुभ, थ्री रिटर्न करेगा वन प्लस वन टू, रिटर्न कर देगा टू, अब फोर और एक कॉल करेगा शुभ किससे बताइए, वन पे किया था टू पे करेगा और एक करेगा थ्री पे, तो वन, अब शुभ टू के रिटर्न करेगा, टू का आंसर क्या है वन, टू का आंसर है वन, तो टू के रिटर्न कर देगा शुभ अभी वन प्लस वन टू, और वन का आंसर क्या है वन, रिटर्न करेगा टू, अब इसका हर एक में आंसर टू है तो शुभ मिनिमम टू ही है, तो आंसर फोर क्या हो जाएगा शुभ अगेन टू, टू एंड शुभ ये रिटर्न करेगा अभी क्या थ्री, रिटर्न करेगा थ्री राइट शुभ, और फाइव और एक कॉल शुभ किस पे करेगा थ्री पे माइनस टू राइट थ्री पे, और एक माइनस थ्री टू पे कॉल करेगा, अब थ्री वाला का आंसर आपके स्टोर है, तो रिटर्न करेगा वन, टू वाला का रिटर्न प्लस वन टू वन, सॉरी वन प्लस वन टू, आई एम सो सॉरी, रिटर्न करेगा टू, और शुभ आपका मिनिमम क्या आंसर फाइव का टू, थ्री टू टू का मिनिमम क्या है टू, आंसर फाइव हो गया टू, बस और तो कॉल करना नहीं आपको, चाहिए था फाइव कितना में बन रहा है, आंसर इज टू, दैट्स व्हाट, दैट्स द आंसर राइट, थ्री प्लस टू फाइव होना चाहिए, काफी सिंपल, और शुभ कितना कॉल्स किए होंगे, तो मैक्सिमम फाइव से जीरो एन कॉल्स किए ओपन, बाकी जो भी कॉल हो रहा है ऑन द स्पॉट अपने का आंसर मिल जा रहा है ऑन द स्पॉट अपने का, तो मेमोरी में सेव्ड है वो, तो कोई चिंता की बात नहीं, तो देखो शुभ कितना एक फ्लॉलेस डीपी का क्वेश्चन लगा, मतलब मजा आ गया, एंड ये क्वेश्चन अच्छा इससे लगा बिकॉज इसमें बहुत दिन का वी यूज्ड मल्टीपल कॉन्सेप्ट मिनिमम करा ऑन द सेम टाइम, तो काफी थोड़ा दिमाग क्वेश्चन था, एक बहुत दिन के बाद एकदम सिंपल ब्रूट फोर्स नहीं है, तो अच्छा क्वेश्चन होता है इसमें, आई होप शुभ आपको समझ में आ गया होगा पूरा पूरा, आई ट्राई टू एक्सप्लेन दिस, अब एक बार कोड कर देते हैं, तो पहले तो शुभ अपने डीपी सोचना ही नहीं, सिंपल क्वेश्चन नॉर्मली सॉल्व करो, एक रिकर्शन लिख लेते हैं, let's say int answer is equal to recursion, अपने क्या चाहिए शुभ, इनिशियली अमाउंट चाहिए, कॉइंस चाहिए, कॉइंस एंड we need whatever, कॉइंस अमाउंट एंड iterator, iterator नहीं चाहिए, on the spot iterate करेंगे ना, that are the choices, 1, 2, 5, तो iterator नहीं चाहिए अपने को, int recursion, और int amount, और क्या चाहिए अपने को, coins, so vector, int address of coins, ठीक है, बेसिस क्या शुभ, अगर अमाउंट इज लेस देन जीरो तो रिटर्न इंट मैक्स, ये भी बताया मैं आपको, इफ अमाउंट इक्वल टू जीरो तो क्या करना शुभ, रिटर्न बन गया अमाउंट जीरो हो गया तो वन, नेक्स्ट स्टेप, और नहीं और ये दोनों केस नहीं शुभ तो अपने कॉल करेंगे राइट, तो फॉर इंट आई इक्वल टू जीरो आई लेस देन कॉइंस डॉट साइज, सारे ऑप्शन को एक्सप्लोर करना राइट, अब कॉल करोगे कैसे, तो यार एक आंसर इनिशियलाइज कर दो, int answer is equal to int max, right? answer int max हो गया शिव आपका, अब आप देखोगे answer is equal to minimum of answer comma next call, क्या है application amount minus coins of i, coins of i minus हो रहा है and coins को pass कर दो, I think that will do शिव right, Now this, आपका अभी आंसर आ जाएगा शुभ इस पर्टिकुलर की है, बस रिकर्शन है, आपको रिटर्न करना है आंसर प्लस वन, प्लस वन ऊपर वाले को प्लस वन भी देना राइट, सिंपल दैट्स इट, आई थिंक अब आपके इधर आंसर आ गया शुभ राइट आंसर में, बट शुभ अब सोचो आपका जो आंसर आएगा वो फाइव प्लस वन आएगा, जो भी उसका प्लस वन आएगा तो अभी तो आपको किसको वापस देना नहीं ना, रिटर्न वॉट आंसर माइनस वन राइट, तो अभी आपके पास प्लस वन क्या आएगा ना शुभ, समझ आ रही है बात, जैसे 11 वाला एग्जांपल देखो 11 तो इसके पास आंसर क्या आया होगा शुभ, इसके पास आंसर आया होगा 3 ठीक है, रिटर्न क्या करेगा 4 बट एक्चुअली तो आंसर 3 है ना, तो रिटर्न माइनस
आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी. और अगर कोई बोल सकता भैया आंसर इंटमैक्स आया होगा तो और सकता है कभी बन ही नहीं रहा उसके यू कैन डू अ चेक राइट इफ अगर आंसर इज इक्वल टू इंटमैक्स राइट शिफ्ट क्या करेंगे आप रिटर्न माइनस 1 रिटर्न माइनस 1 दैट्स इट दिस वी डू नाउ और इंटमैक्स से ज्यादा भी आ सकता है आंसर प्लस 1 राइट ग्रेटर देन इक्वल टू ये होते हैं नहीं कर इसको लॉन्ग इंटमैक्स प्लस 1 अगर हो जाएगा तो वो इंटीजर ओवरफ्लो हो जाएगा ना इसको लॉन्ग लॉन्ग आंसर को इंटमैक्स माइनस 1 कर दो इंटमैक्स को आंसर को इंटमैक्स माइनस 1 कर दो इस रिकर्शन फंक्शन में. हाँ तो मतलब अगर कभी इंटमैक्स रिटर्न होगा तो इंटमैक्स हो जाएगा ठीक है. ओके नाउ दिस विल वर्क आई थिंक. ये अभी हमने डीपी नहीं लगाए जस्ट टू शो रिकर्शन इस वक्त देखो शुभ काम कर रहा है तो सबमिट करके दिखाता हूँ आपको कल की तरह एक्सेप्टेड मत जाना. ओके लेट ही आ गया कल ऐसे एक्सेप्टेड हो गया था हम लोग का तो हाँ तो अभी क्या करना चाहिए सिंपल डीपी अपने सीखे हैं डीपी लगाना तो इसमें कुछ मेहनत नहीं है बस एक डीपी आ रही राइट और उसका मैक्सिमम साइज कर सकते हैं लेट्स सी द अमाउंट मैक्सिमम अमाउंट शिफ्ट कितना है देखो 10^4 ठीक है यू कैन मेक अ इंट डीपी ऑफ 1241 ठीक है और इसी सेम स्टेप प्रोसेस सेम है सबमिट डीपी का आई आई लेस देन 1 1 2 3 4 1 आई प्लस प्लस इसी आंसर क्या है शिफ्ट सबका एक्स माइनस का. अब आप देखो इधर और इधर आ गए अगर इफ डीपी ऑफ दिस अमाउंट अगर माइनस वन नहीं है मतलब इसका आंसर अपने को पता है तो रिटर्न क्या डीपी ऑफ प्लस वन ये ध्यान रखना गाइस क्योंकि आपको प्लस वन रिटर्न करना है ठीक है और नहीं तो अगर सेफ है शिफ्ट तो अपने आंसर निकाल लेंगे और जो भी अपना आंसर है तो डीपी ऑफ अमाउंट इज इक्वल टू डीपी ऑफ अमाउंट नहीं सर अमाउंट ही होगा इज इक्वल टू आंसर वंस सेव कर देंगे रिटर्न कर देंगे आंसर प्लस दैट्स इट नाउ थिंक दिस विल वर्क. क्यों गलती क्या हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा एकदम से. अच्छा अच्छा हाँ शुभ देखो इसको इनिशियलाइज पहले करना चाहिए था आई एम श्योर कि बहुत हाँ बहुत तो पकड़ी होंगी गलती मुझे बोल भी रहा है क्या कर रहा है इसको शुभ दिक्कत जानते हो क्या हो रहा है जब इधर आ रहा था डीपी तो माइनस तो भाई नहीं कुछ हमने इनिशियलाइज नहीं किया तो रिटर्न इधर उस समय जो भी था तो एक्चुअली बाय डिफॉल्ट वो जीरो रहता है शुभ पास करके गाइस और देखो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ डिस्टिंक्शन इससे पहले टीएई आया था शिव अपना देखे शिव कितना केस पास किया 15 तो दीपिका के डोमिनेंस देख रहे हो शिव सेम कोड 15 केस पास किए से पहले आउट ऑफ 188 और अभी पूरा पास कर गया एक्सेप्टेड आया तो डोमिनेंस ऑफ डीपी मतलब उसमें कुछ ही कुछ भी एक्स्ट्रा काम की बस दो तीन में जो सेम हर कोड में सेम है और कुछ भी नहीं है बट हाँ जानना पड़ता है इसे डीपी तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि जहाँ नहीं डूब जाता है वहाँ डीपी पूरा पास करा देता है एंड शिव इसमें हम टाइम कम्प्लेक्सिटी का बात नहीं किए बट हाँ वही 3^n होगा वॉट एवर अब जो आपका एरे का साइज होगा ठीक है अप्रोक्सीमेटली ऑर्डर ऑफ एन के That's by DP and normally K का power n which is huge regardless of saying that. Okay, I think ये code समझ में आएगा guys आपको and अगर समझ में आए तो please like, share, subscribe and for more such videos follow us and you can if you have any doubts then you can ask us on our social media handles. तब तक ये ध्यान रखिए मिलते हैं अगले video में और अच्छे questions तक जय.